हेलो एवरीवन, शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं डीएफ की एनर्जी कवर करूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली वेज में एनर्जी आप लोगों को दे रही हूं और ये बहुत से लोगों से रेजोनेट हो सकता है, बहुत से लोगों से रेजोनेट नहीं भी हो सकता है। तो जिसको भी रेजोनेट हो वो इसको क्लेम करे, जिसको भी ये रेजोनेट ना हो वो इसको स्किप करे, ठीक है। फोर्सफुली अपने आप से इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करना है। कोई भी एनर्जी होती है उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। या आप ये ना सोचे कि ये चैनलिंग है तो हाँ, हम ट्विन फ्लेम है तो हमारे लिए ही होगी। नहीं, टाइम टू टाइम आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग चैनलिंग चेंज होती रहती है, एनर्जी चेंज होती रहती है। बहुत से लोग इस टाइम सेपरेशन में हैं, बहुत से लोग यूनियन में हैं, बहुत से लोग बबल फेस में हैं, बहुत से लोग अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बाद भी अपनी इनर वर्क को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये कलेक्टिव में जो डीएफ की एनर्जी है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर जो डीएफ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर चुकी हैं अपने चारों तरफ। जो भी आपके आसपास कार्मिक एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको फोर्सफुली आपको किसी चीज़ के लिए राज़ी कराना, किसी चीज़ के लिए हाँ बुलवाना, इस तरीके का सीन चल रहा है कार्मिक की तरफ से, ठीक है। आपको डराने की कोशिश बहुत की जा रही है और आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं, आपको उसमें आगे किया जा रहा है, आपके द्वारा उस चीज़ को कराने की कोशिश की जा रही है। बट आपने एक ऐसा अपना दायरा बना लिया है कि नहीं, अब मेरे आसपास कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर किसी चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें गलत हैं, ओके। तो यहाँ पर ये डीएफ बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। एक तरीके का ट्रॉमा भी आपके सामने आ रहा है, कोई चैलेंज आपके सामने आ रहा है तो आप उसको देख कर या सुन कर या सोच कर ट्रिगर नहीं हो रहे हो। ये डीएफ की एनर्जी है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है डीएफ की जर्नी में, डीएफ के अंदर मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ठीक है। जहां आपको बहुत इनर वर्क करके खुद को बैलेंस करना होता था, अब आप थोड़ा सा भी इनर वर्क करते हैं, खुद को हील कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, चीज़ें आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आ गई हैं, कार्मिक को हैंडल करना आपको बहुत अच्छे से आ गया है, ठीक है। जो फियर था डीएफ के अंदर, बहुत सी डीएफ फियर से भी कहीं ना कहीं डील कर रही हैं, ठीक है। बहुत सी डीएफ बहुत स्ट्रांगली फियरलेस होके अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं। कुछ डीएफ का एंगर का इशू भी है और जो कार्मिक हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आ रहे हैं कि आप उनका अगर कोई काम करते हैं तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं चाहे कैसे भी हों। आप उनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उनके लिए आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पर जो अनकंडीशनल लव की बात की जा रही है वो कार्मिक कभी नहीं देते हैं और डीएम डीएफ जो होते हैं अनकंडीशनल लव देते हैं। तो यहाँ पर डीएफ के साथ जो भी कुछ गलत हुआ है, कार्मिक ने गलत किया है, तो आप फॉरगिव करके अनकंडीशनल लव सेंड करके एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। हेट की एनर्जी को रिलीज़ करके, जेलसी की एनर्जी को रिलीज़ करके एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आकर आप जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हो। जैसा कार्मिक के साथ आपका पहले कनेक्शन था, बहुत ही ज़्यादा जेलसी, हेट, फियर या अपने आप को साबित नहीं कर पाना, तो वो चीज़ें अब आपकी जर्नी में बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं डीएफ की बात कर रही हूँ। तो डीएफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है और कुछ आपको कॉस्मिक एनर्जीज का भी एक्सपीरियंस हो सकता है इस टाइम में। बहुत ज़्यादा लिथार्जिक बॉडी, बहुत ही ज़्यादा आपके चेहरे पे शाइन, या आपको पिंकिश फेस नज़र आना, बहुत ज़्यादा रेड फेस नज़र आना, या आपको अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज लगना, कुछ एनर्जी का फ्लो लगना, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज इस टाइम बहुत ज़्यादा आपके अंदर फ्लो हो रही है। आपको सेंसेशन होना, ठीक है, टिंगलिंग होना, चक्रास में किसी तरीके का सेंसेशन होना, टिंगलिंग होना, कुंडलिनी राइज में जो भी आपका ब्लॉकेज आ रहा था वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रहा है। कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर नेचुरल वे में रिलीज़ हो रही हैं जो आप काफ़ी टाइम से रिलीज़ करते आ रहे थे, ठीक है। जैसे कि फियर, आपके अंदर वो फियर नहीं है जो आप पहले अपनी लाइफ में देखा करते थे, ठीक है।
आप कुछ डीएफ के साथ ऐसा है कि फियर से डील कर रही हैं, ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रही है, किसी तरीके का ट्रॉमा सरफेस हो रहा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है, या आपका इनर चाइल्ड वुंड है, तो वो सारे सरफेस पे आके रिलीज़ हो रहे हैं। आपका कोई पास्ट का कोई ऐसा फियर या कोई ऐसा ट्रॉमा था जो आपने फेस तो किया था, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं फियर था, ठीक है, आपने सप्रेस्ड कर लिया था, तो वो एनर्जी सारी सरफेस पे आके रिलीज़ हो रही हैं। जहाँ आपको चीज़ों को समझाने में पहले बहुत टाइम लगता था या आपको खुद समझने में बहुत टाइम लगता था, तो यहाँ पर वो चीज़ें अब आपके लाइफ में नहीं हैं। अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, आप बहुत जल्दी से उन चीज़ों को अपने अंदर उतार लेते हैं। अगर आपको पता है ये कार्मिक है, तो आप कर्मा क्रिएट नहीं करते हो, आप वहाँ पर बहुत अच्छे से, ठीक है, अपना माइंड का यूज़ करके, जहाँ आप अपना सिर्फ हार्ट का यूज़ करते थे, ठीक है, इमोशनली वीक थे या इमोशंस आप कितने ज़्यादा हावी थे, आप दूसरों का दर्द देखकर उसमें ही बह जाते थे, चाहे वो कार्मिक हो, क्योंकि कार्मिक भी बहुत बुरी तरीके से नाटक करते हैं और जिसकी वजह से आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, वो इसीलिए होता है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर माइंड और हार्ट का बहुत अच्छा बैलेंस लेके चल रही हैं, ठीक है, आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3D वर्ल्ड कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, और इस जर्नी में आप आगे होती हैं, तो आप हार्ट के साथ माइंड को भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ डिवाइन इस जर्नी में थोड़ा पीछे होते हैं, तो माइंड से ही काम लेते हैं, हार्ट से नहीं लेते हैं, बट धीरे धीरे वो भी माइंड और हार्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ डीएफ सिर्फ हार्ट से चलती है और डीएम यहाँ माइंड को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस तब आता है जब दोनों ही हार्ट और माइंड के बीच एक बैलेंस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से डीएम को ऐसा भी हो रहा है, या डीएम की एनर्जी मैं कवर करूँ, कि उनको पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस वाले लोग उनके आसपास बहुत हैं, किसी को पैसे का लालच, ये कार्मिक भी हो सकते हैं किसी तरीके के, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे डीएम भी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे मरे हुए जानवर दिखाई देना, ठीक है, या ऐसी चीज़ें दिखाई देना, डेड बॉडी दिखाई देना, ठीक है, आपको ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये रिबर्थ का प्रोसेस चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। दूसरा, आपको अगर ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो किसी ना किसी वे में आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो रहा है। तो ये एनर्जी है ट्विन फ्लेम में अभी डिवाइन फेमिनाइन की और डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो आपका जो चेंज है इस जर्नी में वो डीएफ ही लेकर आती है, और डीएफ इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप को साबित कर रही है। मतलब पहले आप बोल कर भी दूसरों को साबित नहीं कर पाते थे, और अब आप चुप रहकर भी बहुत सी चीज़ें साबित कर रहे हो, है ना। तो कहीं पर शांत रह कर भी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, कहीं पर बोल कर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ये आपके डीएम और डीएफ के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। कहाँ आपको कम्युनिकेशन करना है, कहाँ नहीं करना है, अगर आप डीएम से भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से आ गया है कि आपको क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी ऐसा होना चाहिए कि आप बात भी कह लो और आपकी आपके बीच रिलेशनशिप भी ख़राब ना हो, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस तरीके से। तो ये डीएफ आप बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। जैसा कि मैंने डीएम डीएफ की फर्स्ट एनर्जी बताई है, सेकंड एनर्जी बताई है डीएफ की, डीएम की सेकंड एनर्जी भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो डीएम है बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उसमें एक्टिव नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम को टाल देना या काम को आज नहीं करना, कल करना, ठीक है। तो इस एनर्जी में बहुत से डीएम हैं इस टाइम पीरियड में, या को डिपेंडेंसी में बहुत ज़्यादा रहना, या कहीं अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम में फेस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर भी ये चीज़ें हैं, तो आपका भी कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन इम्बैलेंस है, आप भी एक्टिव नहीं हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप काम को टाल रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं उस तरीके से काम नहीं कर पा रही हूँ जैसे पहले क्या करती थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी हीलिंग करने की नीड है। और ये जो अब एनर्जी मैं बता रही हूँ डीएफ की, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और जिनके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, समझ जाइए आप जर्नी पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं या एंडिंग पर है आपकी जर्नी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस,
बहुत ज़्यादा पेशेंस, जहाँ आपको छोटी छोटी बातों पर ही बहुत गुस्सा आ जाया करता था, अब आपको बड़ी सी बड़ी बात होने पर भी या कोई बड़ा चैलेंज आपके आगे रख दिया है डिवाइन ने, उसको भी देखकर आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो, कार्मिक ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं। इवन आपके मन में कार्मिक के लिए भी अब कोई जालसी नहीं है, कोई हेट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई निगेटिविटी नहीं है। आपने उनको भी माफ़ कर दिया है कि चलो इनसे भी हमने कुछ सीखा है। बहुत शांति के साथ आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज है डीएफ की लाइफ में, क्योंकि आपने इन सब चीज़ों से निकल कर खुद को साबित कर दिया है। कार्मिक चाहते हैं आप ट्रिगर हो उनकी बातों से, आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर दें जिससे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, बट वो आप नहीं कर रही हैं बिल्कुल भी। आपने जो इनर वर्क करके अपने अंदर चेंज लाया है, वो चेंज अब आपको 3D में भी दिख रहा है कि हाँ अब आपको कोई ट्रिगर नहीं कर पा रहा है, कार्मिक भी आपको ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं, डीएम भी ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है ऐसी डीएफ के लिए। ओके, तो ये एनर्जी मुझे पिक हुई है जो बहुत ही ज़्यादा तीनों एनर्जी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है डीएफ के लिए। ओके, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।